is an outstanding talent. You know, he's got amazing skills, and just again his control of pace and you know how he, the lines and the lengths. तो दोस्तों विराट कोहली ने उमरान मलिक को लेके बहुत ही बड़ा बयान जारी करा है, जो कि अभी उमरान मलिक का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो T20 फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहे हैं, जो कि हार्दिक पांडे की कैप्टेंसी में उमरान मलिक को एक से ज़्यादा ओवर नहीं दिया जा रहा और टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो यही बात सुन के विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं उमरान मलिक जैसी रफ्तार हर किसी के पास नहीं होती और उमरान मलिक की रफ्तार को उन्होंने नेट्स में काफ़ी अच्छे से खेला है, जिसकी वजह से उमरान मलिक की वो क्षमता काफ़ी अच्छे से पहचानते। तो उमरान मलिक ऐसी खोज है जिस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो खो सकते हैं। तो इसी वजह से विराट कोहली ने कमेंट करके हार्दिक पांड्या को बताया कि उमरान मलिक का अच्छा प्रयोग करें और उनको लगातार मौका दिया जाए, जो कि अभी हार्दिक पांड्या ने उनको एक ही मैच में मौका दिया जिसमें भी उन्होंने एक ही ओवर डाला था, जिसकी वजह से वो अगला मैच भी नहीं खेल पाए थे। और हार्दिक पांड्या जो कि अभी T20 फॉर्मेट के कप्तान है, तो उन्हीं का राज चल रहा है T20 फॉर्मेट पे, जिसकी वजह से उमरान मलिक को उतना अच्छा मौका नहीं मिल पाया जितना कि ODI में मिल रहा था। और अगर इस बार का ODI वर्ल्ड कप उमरान मलिक अच्छा खेल देते हैं तो वो हर फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सक्षम खिलाड़ी के रूप में साबित हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, उमरान मलिक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही या फिर हार्दिक पांडे की कैप्टेंसी में उतना जान नहीं है जितना कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में? तो इस बारे में अगर आप कोई भी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि उमरान मलिक क्या इस बार के ODI वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, और उमरान मलिक और टीम इंडिया से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं आप तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको कर ले टच और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।